सो ये वाली बाइक है बजाज V15। बजाज ने इस वाली बाइक को 2016 में लॉन्च किया था, और जैसे ही बजाज ने इस वाली बाइक को लॉन्च किया था, इस वाली बाइक में इतने सारी प्रॉब्लम्स आई ना, जिसका नतीजा ये हुआ था कि यूट्यूब पे बजाज V15 से रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिव रिव्यूज बनने लगी थी। सो बजाज V15 की इतने सारे प्रॉब्लम्स में से आज हम लोग एक प्रॉब्लम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और मैं उस प्रॉब्लम का बेसिकली तुम लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वो प्रॉब्लम है बजाज V15 में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम। ये बजाज V15 में वाइब्रेशन कहाँ कहाँ आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, और उसका सोल्यूशन क्या है। तो चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, अपने बाइक में जैसे ही मेरे पास बाइक आई, एक महीने बाद इसका मैंने हैंडल बार इसका चेंज करा दिया। सो जैसा कि इस समय तुम लोग देख सकते हो मेरे बाइक में जो हैंडल बार लगा हुआ है, एकदम ही डिफरेंट हैंडल बार लगा हुआ है। ये काइंड ऑफ ये आफ्टर मार्केट हैंडल बार है। हैंडल बार मेरे बाइक में चेंज कराने का मेरा यही मकसद था कि बाइक में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होता था मुझे। सो जैसे ही मैंने अपने बाइक में हैंडल बार चेंज कराया, बाइक की जो वाइब्रेशन थी ना, वो मेरे हाथों पे बहुत कम फील होने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वाइब्रेशन एकदम खत्म हो गया। सो मेरा आप लोगों को जो सबसे पहला सजेशन होगा वो यही होगा कि अगर आप लोगों को भी बजाज V15 में बहुत ज्यादा अगर वाइब्रेशन फील होती है ना, एक बार इसका हैंडल बार इसका चेंज करा के देखो। मैं इस चीज के मैं गारंटी देता हूँ कि जमीन से आसमान का डिफरेंस आ जाएगा। और अब बजाज V15 में अब आप लोगों को कौन सा हैंडल बार लगवाना है, मैं आप लोगों को उस चीज की ब्रीफिंग दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा बहुत सजेशन दे रहा हूँ। कोई एक ऐसा हैंडल बार ढूंढना जिस हैंडल बार में ये चीज हो, है ना, मतलब मिडिल में ऐसा करके कुछ तो बना हो। इससे क्या होता है ना, ये वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा अपने अंदर कंटेन कर लेता है, जिससे कि बाइक में वाइब्रेशन यहाँ पर और यहाँ पर हाथों पे बेसिकली फील नहीं होते हैं। सो कोई ऐसा हैंडल बार लेना अपने बाइक के लिए जिसमें ये चीज हो, एंड ऑल्सो जो आफ्टर मार्केट हैंडल बार हो वो थोड़ा सा लंबा हो। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो कि इस वाले बाइक में जो हैंडल बार है ना, वो नॉर्मल बजाज V15 के हैंडल बार से थोड़ा सा लंबा है। ये यहाँ से हल्का सा लंबा है और यहाँ से हल्का सा लंबा है। इससे क्या होता है, जितना ही हैंडल बार वाइड होता है उतना ही वाइब्रेशन बाइक में कम फील होता है। बीच का जितना भी मेटल है वो सारा वाइब्रेशन को कंटेन कर लेता है, जिससे कि आपकी यहाँ पे एंड पे वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम फील होता है। सो ये है मेरा पहला सजेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अगर अपने बाइक में अगर वाइब्रेशन अगर कम करना है, तो आप लोग इसका हैंडल बार एक बार चेंज करा के देखो, जमीन से आसमान का डिफरेंस आ जाएगा। इस चीज को मैं लिख के दे सकता हूँ। अब हालांकि मैंने अपने बाइक में मैंने हैंडल बार तो मैंने चेंज करा दिया था, और मुझे उस समय मुझे फील भी होने लगा था कि इस वाले बाइक में वाइब्रेशन जो है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन अब होता है ना, कभी कभी फीलिंग गलत भी हो जाती है। बाइक में वाइब्रेशन तो कम हुआ था, लेकिन उतना नहीं हुआ था जितना नॉर्मल बाइक में वाइब्रेशन होता है। नॉर्मल बाइक से थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन इस वाले बाइक में हो रहा था उस समय भी। सो यहाँ पर मैंने अपने बाइक में दूसरा काम करवाया। वो दूसरा काम ये था कि अपने बाइक का आइडल रेव कम करवा देना। मैं अपने बाइक को लेके गया मैकेनिक के पास, से कहा मैंने कि इसका आइडल इसका कम कर दो। सो अगर आप लोगों को आइडल रेव के बारे में अगर नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को छोटे में बता दे रहा हूँ। आइडल रेव बेसिकली क्या होता है, बिना एक्सेलेरेटर को खींचे हुए जब बाइक जब रेव करती है उसको आइडल रेव उसको कहते हैं। मैं अपने बाइक को लेके गया मैकेनिक के पास, से कहा मैंने कि इसका आइडल रेव इसका कम कर दो। जिसका नतीजा ये हुआ कि बजाज V15 में वाइब्रेशन और ज्यादा कम हो गया। आइडल रेव की जो ट्यूनिंग होती है वो बेसिकली यहाँ से होती है। आप लोग ये देख रहे हो, ये चीज घूमता है ना, ये रोटेट होता है। सो वो जो आप लोग ने जो नॉब देखा उसको अगर लेफ्ट और राइट अगर घुमाते हैं ना, सो बाइक का आइडल रेव जो होता है उससे ट्यून उससे होता है। सो अब इस नॉब के थ्रू मेरे बाइक का जो आइडल रेव है उसको मैंने कम करवाया। मैंने मैकेनिक से मैंने कहा कि इस बाइक में आइडल रेव कम कर दो, तो उसने कर दिया। सो मेरा सजेशन भी आप लोगों को यही रहेगा कि आप लोग भी अपने बाइक को मैकेनिक के पास लेके जाओ, मैकेनिक से कहो कि इस बाइक का आइडल रेव को कम कर दे, है ना, वो रेव को कम कर देगा, जिससे कि आप लोगों के बाइक में वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी। सो ये था मेरा दूसरा सजेशन आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने बाइक का वाइब्रेशन कैसे कम कर सकते हो। और अभी हम लोग चलते हैं मेरे तीसरे सजेशन पे। सो अब इतना सब कुछ अब ताम जम करने के बाद भी अगर आप लोगों की बाइक में अगर अब भी अगर वाइब्रेशन अगर फील हो रही है, तो आप लोग इतना समझ सकते हो कि आप लोगों के इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होती है आपके बाइक में कि ना ही हैंडल बार उसको फिक्स कर पा रहा है और ना ही आइडल रेव को लो करने पे वाइब्रेशन आपकी बाइक में कम हो पा रही है। इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि बजाज अब इसका इंजन अब फिक्स करेगा है नहीं। बेसिकली इंजन में प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन उसका कौन ही निकाल सकता है। मैं इसका आप लोगों को एक टेम्प्रेरी बेस पे एक सोल्यूशन एक दे सकता हूँ, है ना। ये सोल्यूशन है बेसिकली एक
ऐसा ग्लव्स खरीद के इसको पहन के राइड करना। ये आप लोग जैसा कि देख सकते हो ये राइडिंग ग्लव्स है। पहला काम इन ग्लव्स का ये होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे आपके हाथों को बचाना, ये इसका पहला काम होता है। लेकिन इसका दूसरा काम ये होता है कि वाइब्रेशन को कम करना। अगर आप लोगों की अगर बाइक में अगर वाइब्रेशन का फील होती है ना, सो इस वाले ग्लव्स का यूज करके देखो। राइडिंग ग्लव्स कोई खरीद लो मार्केट में से, है ना, कोई अच्छा खरीदना, उसको पहन के बेसिकली राइड करके देखो, वाइब्रेशन आप लोगों को कम फील होगी। अब आप लोगों के अब इंजन में अगर प्रॉब्लम है तो इसका और कोई इसका उपाय इसका नहीं किया जा सकता है। फाइनल सॉल्यूशन मेरा आप लोगों के लिए यही है कि ऐसे ग्लव्स ले लो जिससे कि आप लोगों के हाथ में वाइब्रेशन उतना ज्यादा फील ना हो। बाइक में वाइब्रेशन तो कम नहीं होगी लेकिन जो फीलिंग है ना वाइब्रेशन की वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। सो ये था मेरा आप लोगों के लिए तीसरा सजेशन। एक और सजेशन है, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसको यूज नहीं किया लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये सजेशन है कि अगर आप लोग अगर अपने बाइक में प्रीमियम ऑयल अगर डलवाते हो, प्रीमियम पेट्रोल अगर डलवाते हो, सो उसका जो है आप लोगों की बाइक पे फर्क पड़ता है। आप लोगों की बाइक में वाइब्रेशन कम होती है। अब देखो ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज मैंने इंटरनेट पे मैंने पढ़ी है और इस चीज को मैंने टेस्ट आउट नहीं किया है, सो मुझे इसके ऊपर कोट मत करना। सो चलो गाइज, ये थे मेरे कुछ सजेशन आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों की बजाज V15 में अगर वाइब्रेशन का हो रही है, सो इन सजेशन को यूज करके देखो। प्रोबेबली हो सकता है कि आप लोगों की बाइक में वाइब्रेशन एकदम खत्म हो जाए ना और आपकी बाइक एकदम वाइब्रेशन लेस हो जाए। सो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाला ब्लॉग और ये वाले सजेशन वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर कमेंट हो या अगर आप लोगों को अगर मेरे लिए अगर कोई अगर सजेशन हो, है ना, सो वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलो गाइज, आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। चलो बाय बाय। चलो गाइज बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग।